अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमीर फैन। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पर बात करेंगे वो तो हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सुनते रहते हैं, वो है वक्त। वक्त की बात तो चलती रहती है। आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वक्त चलता रहेगा और घड़ी की बात होती रहेगी। और इसके ऊपर जो है आज हम तज़किरा करेंगे और ऐसे इंसानी जिंदगी में वक्त और घड़ी के अहमियत के 11 चुका देने वाले हवा की जो है हकायक की जो है हम बात करेंगे। और आपको बताया कि कोई घड़ी 100% दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। वक्त क्या ही चीज है, तीन लफ्जों का मजमुआ होता है और इन तीन लफ्जों के मजमुए के ऊपर पूरी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर कर रही है, कैसे निर्भर कर रही है, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वक्त से मुतालिक आप क्या सोचते हैं, घड़ियों की आपकी नजर में क्या अहमियत है, क्या घड़ी के बिना जिंदगी का तो सबूत मुमकिन है? इन सवालों का कोई मुख्तसर जवाब देना जो है मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने जो है आपके लिए वक्त की इंसानी जिंदगी में अहमियत से जुड़े 11 हकायक जो है तहरीर किए, जिसके बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो पहला हकायक ये है कि इस जुबान का वक्त से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले तो इन इस जुमले को अगर मदनजर रखते हुए तो सोचे कि जुबान का भी वक्त से ताल्लुक हो सकता है, या मेरे कहने से पहले कभी आपने ये सोचा कि वक्त का जुबान से ताल्लुक हो सकता है या जुबान का वक्त से ताल्लुक हो सकता है? मेरे ख्याल से मेरे रिसर्च करने से पहले भी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। जब मैंने रिसर्च की और तब मैंने इसके बारे में सोचा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हाँ जी, जुबान का वक्त से ताल्लुक है। कैसे है? वक्त को अक्सर एक सीधी लकीर के तौर पर समझ किया जाता है। आप सोचें कि आप वक्त को क्या समझते हैं, ये क्या है, एक टू डिमेंशनल चीज है या थ्री डिमेंशनल, ठीक है, ये क्या चीज है, या फोर डिमेंशनल। आजकल इसके ऊपर भी बातें चलती होती है, मेरे पिछले लोगों को मैंने फोर डिमेंशनल के बारे में भी बात की थी। तो क्या चीज है, आप क्या समझते हैं वक्त क्या है? एक स्क्वेयर है, एक ओवल शेप है, क्या चीज है ये समझ नहीं आती आप कभी तसव्वुर किया आपने? हम इसको तसव्वुर करते हैं कि सीधी लकीर के तौर पर तसव्वुर करते हैं, मगर ये लाइन जो सीधी लकीर तसव्वुर की जाती है, ये जाती कहाँ है, इसकी समत क्या है, किधर से शुरू होती है, किस तरफ को जा रही है, कहाँ खत्म होती है, कितनी लंबी है, इसकी समत क्या है, कभी तसव्वुर किया आपने? लेकिन ये जो बात हम तसव्वुर कर रहे हैं ना कि हो ही ना, तो यानी कोई लाइन ही ना हो, तो फिर क्या आप समझेंगे? अगर आप तसव्वुर कर रहे हैं कि ये समत होगी या लाइन लाइन को होंगे तसव्वुर किया, तो उसके ऊपर इतने सवाल हमारे माइंड में आ गए। अगर समझे तस्वुर करें कि ये लाइन ही नहीं है, हमने जो तस्वुर किया लाइन का तो ये भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? आपको कहाँ ये जाता है कि इन तमाम सवाल के जवाब का निसार ना इस बात पर है कि आप कौन सी जुबान बोलते हैं। वक्त के बारे में सोचने और समझने या तफहीम इस जुबान से बहुत ज्यादा मुतासर होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले वक्त को आगे या पीछे समझते हैं। जैसे हम फर्ज करें जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी लफ्ज लेफ्ट टू राइट। जब हम लिखना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, किस तरफ को पढ़ते हैं, किस तरफ को लिखते हैं, किस तरफ को तसव्वुर करते हैं इंग्लिश की जुबान में। और जब हम जिक्र करते हुए हाथ से आगे की जब इशारा करते हैं और जब वो माजी का जिक्र करते हैं तो उनके हाथ का इशारा पीछे की जानब होता है, यानी ऐसे होता है ना, आगे की जानब और पीछे की जानब इंग्लिश अल्फाज में। अब वक्त के ऊपर दाएं से बाएं तक जो है फैली सीधी लकीर के तौर पर भी समझा जाता है। चीन में रहने वाले और चाइनीज जुबान बोलने वाले वक्त को एक ऊपर से नीचे की जानब वाली लाइन के तौर पर देखते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तसव्वुर ये भी किया जाता है कि इसके ऊपर से नीचे आने वाली लाइन की तह में मुस्तकबिल है, यानी अगर हम कहें भाई माजी तो हम पीछे की तरफ इशारा करेंगे, अगर चीनी जुबान में हम कहें माजी तो ऊपर की तरफ इशारा करेंगे, अगर मुस्तकबिल का करें बात तो नीचे की तरफ इशारा करेंगे। एक तसव्वुर करिए ना हमें, इसका मतलब है हमारा जो वक्त है, हमने जो तसव्वुर कर लिया उसका जुबान के साथ ताल्लुक है। ये सोचने वाली बातें लगती तो ये फिलोसफिकल बातें हैं, लेकिन खुद अंदाजा करें जब हमसे कोई पूछा जाए माजी या हाल की बातें करें तो हमारे हाथ के इशारे या जुबान के अल्फाज या एक तसव्वुर किस तरफ को जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे किस तरफ को जाना होता है। यूनानियों ने वक्त को लंबाई नहीं बल्कि सहजहती समझा था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एक कबीला वक्त को मशरिक और मगरिब समझता था, यानी कि सूरज किस तरफ से शुरू होता है और किस तरफ को गुरूब होता है, वक्त का तबादला इससे भी लगाते थे। इसके अलावा हमारी जुबान वक्त गुजरने के बारे में हमारी तफहीम का तायुन करती है। हमें याद है कि कोई अपने हाल के बारे में क्या कहता है, इससे बेहतर है कि वो अपनी माजी के बारे में क्या कहता है। ये देखा, इस बातों से अब आपको समझ आ गई होगी कि वक्त का जुबान के साथ
कैसे ताल्लुक हो सकते हैं, क्या ताल्लुक है, कैसे ताल्लुक बन सकता है, ये हमने आज आपको बताया है कि था पहला हकाइक वक्त के बारे में। आज हमने वक्त की ही बात करनी है, ये तीन लफ्जों के मजमुए की ही बात करनी है। उसका पहला हकाइक हमने आपको बता दिया, हम दूसरे हकाइक की बात करते हैं। दूसरा हकाइक है जो आप अब समझते हैं वो अब नहीं है। क्या मतलब इस जुमले का, क्या मतलब हो सकता है इस जुमले का? आप आपको मतलब समझाते हैं कि जब आप इन अल्फाज को पढ़ रहे होंगे तो आप उसे समझना बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। या आप सुन रहे हैं तो आपके आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के बारे में सोचें जो आपके सामने मेज पर या मेज की दूसरी तरफ बैठा है और वो बोल रहा है, उनके इशारे उनके अल्फाज से पहले आप तक पहुंच जाते, क्योंकि जैसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज होती है इंसान को ज्यादा समझाती है। या हम जब असाइनमेंट दे रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं, या बात कर रहे होते हैं, रेगुलर बात हो रही है, या हम पूरी ऑडियंस को कोई स्पीच दे रहे हैं, या असाइनमेंट के तौर पर कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज भी हमें बताती है, हमारी पर्सनैलिटी को जो है इनहांस करती है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो जब आपने फर्ज कर लिया कि एक जो शख्स है वो मेज की दूसरी तरफ बैठा है, तो उनके इशारे उनके पास से पहले आप तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि रोशनी आवाज से ज्यादा तेजी से सफर करती है। तो आप सबको पता है हमारा दिमाग इन दोनों को जोड़ता है, इसी वजह से हम समझते हैं कि जब किसी शख्स के होंठ हिलते नजर आते हैं ना जब आपको, तो वो तभी बोल रहा होता है। जब होंठ हिल रहे होते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं, लेकिन ये वक्त के बारे में सबसे अजीब बात है। जी हाँ, जैसे हमने बात की कि कैसे ये हमने कैसे की मिसाल आपको दे दी, तीसरा हमारा हकाइक है कि वक्त के बगैर कोई शौरी तजुर्बा नहीं हो सकता। जी हाँ, कैसे नहीं हो सकता? हम अपने हाथों की मदद से घड़ी की टिक टिक गिनती करते हैं, अक्सर कह रहे होते हैं भाई एक मिनट गुजार लिया। मुझे भी याद है जब हम बचपन में होते थे तो हमें कोई काम करना होता था, ये मेरी आपकी ड्यूटी है, मेरी जो है वो मुझे कहा करती थी ठीक है आपने ये काम करके आना, और फिर मैं जो है एक मिनट की गिनती गिनूंगी, 7 मिनट तक वो जो है काउंटिंग करती थी, अगर 2 मिनट का मुझे कहती थी वो 120 तक 120 तक काउंटिंग करती थी। तो हम टिक टिक की जो घड़ी की आवाज़ें हमेशा हमारे माइंड में रह जाती है कि इतने वक्त तक घड़ी टिक की आवाज़ हमें आ जाती है, तो उसी तरह टिक टिक के साथ वो काउंटिंग उसी स्पीड के साथ वो काउंटिंग किया करती थी। तो यही बात है कि हम अपने हाथों की मदद से घड़ी की टिक टिक की गिनती करते हैं। अब जरा ये गुमान करें कि टिक टिक है क्या, तो जनाब ये टिक टिक आपके दिल की धड़कन है। वक्त और हमारे वजूद की बात करते हैं तो ये घड़ी की टिक टिक और हमारे दिल की धक धक एक साथ चलते हैं। एक अंधेरी कार में लेटा हुआ शख्स भी दुनिया घड़ियों से चाहे जितना ही दूर क्यों ना हो, मगर वो अपने जिस्मानी घड़ी के जरिए असर होता है। कोई ना कोई ऐसा तो वक्त होगा जबकि दुनिया वजूद में आई, तो क्या वजूद में आते सारे घड़ी तो नहीं थी ना? तो लोग वक्त का अंदाजा कैसे करते थे इन्हीं छोटी छोटी चीजों से, और उसी जो है मारते वजूद दुनिया के मारते वजूद के आने तक ये घड़ी के वजूद के दरमियान एक ये भी पहलू होगा, एक ये भी टाइम आया होगा कि जो लेटा हुआ शख्स था वो दुनिया और घड़ियों से चाहे जितना ही दूर क्यों ना हो, मगर वो अपनी जिस्मानी घड़ी के जरिए असर होता होगा, जिस्मानी घड़ी का इस्तेमाल करता होगा। इसी तरह पॉली एंडरसन साइमन फ्रीजर यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटिश कोलंबिया में साइंस फलसफे और मेटाफिजिक्स का मुताला करती है, उनका कहना है कि अगर हम वक्त का ट्रैक खो देंगे तो इससे हमारे अपने बारे में तसव्वुर मुतासिर होगा। उनका मानना है कि अगर वक्त की समझ ना हो और हम वक्त गुजरने को महसूस ना करें तो हम कुछ भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मैंने सबसे पहले कहा कि वक्त के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी निर्भर कर रही है। हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक की अपनी जो है रूटीन को मद्देनजर रखिए, और उस रूटीन को मद्देनजर रखते हुए देखें कि उस रूटीन को मद्देनजर कैसे रख रहे हैं वक्त के ऊपर। भाई इस वक्त मैंने ये करना है, इस वक्त मैं उठा, इस वक्त मैं जागा, इस वक्त मैं फ्रेश हुआ, इस वक्त मैंने नाश्ता किया, इस वक्त मैं घर से निकला, या मैं अकेडमी गया, या मैं पढ़ने गया, या मैं जॉब के लिए निकला, सब काम जो हमारे वक्त के ऊपर हो रहे हैं। तो सोचिए कि वक्त गुजरने की वजह से आप क्या हैं, आपकी शख्सियत वक्त के साथ तश्कील पाती है, आपकी शख्सियत यादों के मजमुए के साथ कुछ नहीं, कोई घड़ी 100% दुरुस्त नहीं होती है। हमारा चौथा हकीकत, कोई भी घड़ी 100% दुरुस्त नहीं है। साइंसदान वक्त की नुमाइश करने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं, वो गुजरने वाले लम्हा मिनट घंटे नजर रखने के लिए जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिनकी एटमी घड़ियां बहुत दुरुस्त हैं लेकिन फिर भी वो वक्त की मुकम्मल नुमाइश करने के लिए काबिल नहीं है। ये बात मैंने आपको जो है पिछले ब्लॉग में की थी जब हमने ये टॉपिक छेड़ा था, इस टॉपिक पर बात की थी कि जहाज में सफर करने से आपकी उम्र में इजाफा होता है, तब मैंने एटमी घड़ी की बात की थी और उसमें मैंने ये कहा था कि एटमी जो घड़ी है उसमें भी गुंजाइश होती है।
उसकी माइंड में बिल्कुल गुंजाइश होती है कि वक्त जो है चेंज हो जाता है उसका कुछ सेटिंग्स का, लेकिन गुंजाइश तो है ना, वो वक्त की मुकम्मल पैमाइश करने के लिए काबिल नहीं है। जमीन पर कोई भी घड़ी सही तरीके से वक्त पैमाइश नहीं कर सकती। अब ये तय करने का अमल है कि कौन सा वक्त है बहुत ही घड़ियों पर मुश्किल है, इसे दुनिया के वक्त का हिसाब लगाया जाता है। कौमी लेबोरेटरियां पेरिस फ्रांस में बैठी कौमी इदारे ब्राइटन और पैमाइश को अपनी रीडिंग भेजती हैं, वहाँ इन रीडिंग्स की जो है औसत का हिसाब लगाया जाता है। बस याद रखने की बात यह है कि वक्त एक इंसानी ईजाद है,